हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन मेडिसिनल 24 द मेडिकल चैनल। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजेक्शन पर बात करेंगे। आप सभी इस इंजेक्शन को तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो इस मॉलिक्यूल से मिलते जुलते इंजेक्शन को तो देखा ही होगा हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स पर। आजकल तो हॉस्पिटल में इंजेक्शन नॉर्मली सब पेशेंट्स को लगाते हैं सभी कंडीशंस में, एंड ये इंजेक्शन तो पेशेंट को लगना ही है क्योंकि सभी कंडीशन में सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है एंड दूसरे इंजेक्शन के मुकाबले में अभी हमारे पास अबॉट कंपनी का इंजेक्शन C11 ग्राम है। इसमें सेप्रोक्सोन मॉलिक्यूल है 1000 mg प्रेजेंट है। इसी के नाम से C1SB पर वीडियो बनाई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एंड सो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन की MRP 60 रुपीज़ है। ये IM एंड IV यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलरली एंड इंट्रावेनसली। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे सेफ्ट्रोक्सोन क्या है, इसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोसेज एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। सेफ्ट्रोक्सोन एक थर्ड जनरेशन की सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। सेफलोस्पोरिन इसकी काफ़ी एक्सेलेंट एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड रीजनेबल एक्टिविटी अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। सेफ्ट्रोक्सोन के यूजेस देखते हैं तो ऑलरेडी वी नो कि सेफ्ट्रोक्सोन एक एंटीबायोटिक है, मीन्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है, जैसे ई कोलाई, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन एंड सर्जरीज के बाद के ट्रीटमेंट में भी सेफ्ट्रोक्सोन का यूज़ किया जाता है कि सर्जरी से हुए इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सके। ये इस इंजेक्शन के यूजेस थे। एंड इस इंजेक्शन की डोसेज की बात करते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में 1 to 2 ग्राम पर डे IV सिंगल डोज आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इस डोज को 12 आवर्स में डिवाइड भी कर सकते हैं 4 to 7 डेज का इसका डोज होता है। एक्यूट बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया में एडल्ट में आप 5 mg पर kg IV एंड IM वंस फॉर अ डे फॉर 3 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में 250 mg IM सिंगल डोज विद डॉक्सीसाइक्लिन एंड सभी अलग अलग इन्फेक्शन में इसका अलग अलग डोज रहता है। सभी हॉस्पिटल्स में नॉर्मली पेशेंट में 1 ग्राम इंजेक्शन दिन में 2 बार BD IV ड्रिप के साथ यूज़ करते हैं, एंड कई जगह ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से 2 to 3 ग्राम भी पर डे पेशेंट में से यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो रश, डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, अपसेट स्टोमक, ब्लड क्लॉट्स, डिजीनेस, हेडेक, सर दर्द होना, पेन और स्वेलिंग इन योर टंग एंड स्वीटिंग इस इंजेक्शन के नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो मोर इन्फॉर्मेटिव। सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग आर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।